नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। अटल जी के बाद होगी अब गांधी पर सियासत। जी हां, राजनीतिक पार्टियां गांधी के नाम पर सियासत करने लगी हैं। जहां भाजपा को गांधी दर्शन याद आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस गांधी के पद चिन्हों को ढूंढ रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसलिए गांधी की 150वीं जयंती पर देश में अलग अलग रंग दिखाई देंगे और ये रंग लोकसभा चुनाव 2019 तक जस के तस दिखाई देंगे। एक और जहां भाजपा गांधी दर्शन को घर घर तक पहुंचाने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को डर है कि भाजपा गांधी के नाम पर वोट की फसल न काट ले, इसलिए कांग्रेस ने बापू के सपनों का प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। शहर में सड़कों की स्थिति बहुत ही खस्ता हाल हो गई है। शहर में ऐसा कोई मार्ग नहीं जहां गड्ढे ना हो। शहर में मार्गों के साथ ही बस स्टैंड परिसर भी गड्ढों में तब्दील होने लगा है। खस्ता हाल सड़कों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इस और ना तो कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि, और इसका खामियाजा नगरवासियों को उठाना पड़ रहा है। तहसील रोड, मंडी बाईपास रोड, लिंक रोड आदि मुख्य सड़कों से प्रतिनिधि प्रशासन के आला अधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का आना जाना होता है, फिर भी इस समस्या के निराकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर नगर की सड़कों तक गड्ढों में तब्दील हो गई है। खासकर बरसात के मौसम में राहगीरों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। मध्य प्रदेश सहित अन्य चार राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जल्द ही होने वाला है। इधर मध्य प्रदेश दौरे पर आए ओपी रावत ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश के चुनाव तय समय पर ही होंगे, इन्हें आम चुनाव के साथ करना संभव नहीं है। नवंबर में चार राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में 26 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चुनाव कराए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि त्योहार को देखते हुए ये सबसे अनुकूल समय है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और अब रुख करते हैं मौसम की ओर। देश की राजधानी में एक बार फिर से तापमान बढ़ गया, जिसकी वजह से शहर के लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि आज सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 81% दर्ज की गई थी। इससे पहले गुरुवार को शहर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज आज के साथ।